नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बसी ट्रेवल एंड टॉक से क्या हुआ एक नया ब्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। एक होता है इक्का, फिर आता है हुक्म का इक्का, फिर आता है आइकॉनिक स्टार आलू अर्जुन। और इस आलू अर्जुन की एक मूवी आई है जो बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रही है। जी हाँ, और वो है 2 घंटे 59 मिनट्स की, 2 आवर्स 59 मिनट्स की मूवी है, और पैसा वसूल मूवी है। उस मूवी का नाम है पुष्पा द राज, और यूए सर्टिफाइड है। 2021 में आई थी, मतलब पिछले साल आई थी। और इस मूवी में आइकॉनिक स्टार, जैसे मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, आइकॉनिक स्टार पुष्पा, उसने क्या काम किया है, क्या काम किया उसने कि मतलब ये जो जितने भी जो खान, एक्सेप्ट फॉर सैफ अली खान को छोड़ दो, जितने भी जो खान है और वो नशेरी, वो कौन है वो, हाँ वो कौन है, सेलफोन भाई, उन सबको छोड़ दो। मतलब जितने भी जो खान है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो कोई भी खान, सलमान खान है, वो सब आलू अर्जुन के सामने पानी कम चाय। जी हाँ, पानी कम चाय। वो इसलिए क्योंकि मतलब एक्टर की पहचान तब होती है जब वो एक्टर वो रोल में घुस जाए, रोल में घुस जाए, और वो उसे कहते हैं हम मेटर एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग। इस बंदे ने, आलू अर्जुन ने नेचुरल एक्टिंग की है पुष्पा द राइज में। और हाँ, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट पुष्पा द राइज है, दूसरा पार्ट ये पुष्पा 2 द रूल है। और एक बात बता दूं, ये 3 पार्ट में मूवी लिखी गई है, बनाई गई है, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो हस वो नेक्स्ट ईयर आएगा। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो मूवी कमाल की है, कमाल की मूवी है। अमेजोन प्राइम में आ चुकी है, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में और कन्नड़ा में। आपको जिस भाषा में आपको पसंद है उस भाषा में आप देख सकते हो, बट विद इंग्लिश सबटाइटल एज वेल। और मूवी के रिव्यू बाय गूगल है 4/4, 4/4 मतलब 4 आउट ऑफ 5। जी हाँ, जानता हूँ, बट 4 आउट ऑफ 5 भी क्या रिव्यू है। जी यार, देखो शाहरुख खान की मूवी इतना कर रही है, इस मूवी बॉक्स ऑफिस को हिला डाला है, बॉक्स ऑफिस को हिला डाला है। जो इसने काम किया ना पुष्पा ने, जो आलू अर्जुन ने जो काम किया है, और धीरे 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 जो हिंदी एक्टर एक्टर जैसे जिसको काम करना नहीं आता, जिसको काम करना नहीं आता, वो धीरे धीरे तमिल मूवी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है अतरंगी, अक्षय कुमार, सारा अली खान आगे ना, और ये जो आर आर आलिया भट्ट, अजय देवगन आ गए ना तमिल मूवी इंडस्ट्री में। और भी बहुत सारी मूवी आने वाली है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं ये पुष्पा द राइज के बारे में। तो मैंने रिव्यू आपको बता दिया है कि रिव्यू है इस मूवी का 4.5 और आउट ऑफ 5। और गाने गाने से पहले मैं आपको इसके स्टार कास्ट के बारे में बता दूं। आलू अर्जुन दी आइकॉनिक स्टार, रश्मिका मंडाना द यूथ क्रश, और फहाद। ये फहाद आता है जब मूवी के 40 मिनट बचते हैं तब, और ये फहाद हिला देता है पुष्पा को। लेकिन पुष्पा भी वो किसी से कम है क्या? नहीं, पुष्पा भी किसी से कम नहीं है।
वो आपको पता चलेगा कि वो क्या करता है सेकंड पार्ट में। और हाँ, सेकंड पार्ट से आना है, इस मूवी के दो इंटरवल है, एक आता है 1 घंटा 30 मिनट में एक इंटरवल, और दूसरा इंटरवल तब आता है जब मूवी के 40 मिनट बचे होते हैं तब आता है। और फिर अनुष्या भरद्वाज, ये पता नहीं कौन है, और हाँ सुनील भी है। आपने सलमान खान की मूवी देखी है वो? नहीं, सलमान खान की, मैं सलमान खान की मूवी नहीं, मैं नहीं था वो, सुनील इसमें था वो। चलो जाने दो, जाने दो। हाँ तो सलमान, तो सुनील एक ने एक विलेन का रोल प्ले किया है, और वो विलेन पुष्पा का बॉस होता है। सुनील ने एक विलेन का रोल प्ले किया है जो कि पुष्पा का बॉस होता है, और मतलब राइट हैंड कह लो, और धनंजय, ये है जॉली रेड्डी, जो कि ये आपका मान लो जो कि सुनील जो विलेन होता है उसका उसका भाई होता है या बेटा होता है, ये पता नहीं, ये आपको मूवी देख के पता लगाना पड़ेगा। और भी बहुत है। और हाँ, अजय घोष, ये विलेन का भाई होता है, ये विलेन का भाई होता है। और मूवी शुरू होती है एक वो एक तमिलनाडु के एक जंगल में, साउथ इंडिया के एक जंगल में एक मूवी शुरू होती है जिसमें पुष्पा जाता है काम करने, और वो काम इलीगल होता है, गवर्नमेंट को पता नहीं होता, इसलिए क्योंकि मान लो जैसे आप ये गिलास बना रहे हो, इलीगल गिलास बना रहे हो ये वाला, और ये लाखों करोड़ों में है, ठीक है, तो ये और ये वाला गिलास आपको चाइना भेजना है, तो जंगल में इलीगल वर्कर काम करते हैं, और फिर आते हैं पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद फिर ये हैसल एंड भैसल होती है। लेकिन उसमें पुष्पा, जो कि अल्लू अर्जुन रोल प्ले कर रहा है, वो डटा रहता है, वो कहता है मेरी अपनी जमीन के लिए कोई, मतलब ऐसा ही कुछ डायलॉग होता है। और फिर आता है एक गाना, अब गाना फिर आता है मूवी का पहला गाना कि जागो 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 बकरे, हाँ जागो जागो बकरे आता है, वो मूवी का पहला गाना होता है, वो मूवी का पहला गाना होता है। और कसम से मैं कह रहा हूं, आप जो डांसर है ना, जो डांसर है वो फैन हो जाओगे। और मूवी का पहला गाना का नाम बताता हूं, हाँ मूवी का पहला गाना है जागो जागो बकरे, हाँ मूवी का पहला गाना है जागो जागो बकरे, ये एक जंगल में शूट हो फिल्माया गया है ये गाना। और मतलब पूरी पूरी मूवी में पुष्पा ने, जो आलू अर्जुन है जो कैरेक्टर है, उसने ये बात बात बिगाड़ के ऐसे ये पूरी मूवी में ये अब आप ही मान लो, जो बंदा दाढ़ी बढ़ा सकता है, बाल बढ़ा सकता है, वो भी तमिल मूवी इंडस्ट्री में, वो क्या 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 कुछ नहीं कर सकता क्या कुछ नहीं कर सकता वो बंदा। और वो पूरी मूवी में ये ऐसे रहे ऐसे, हाँ पूरी मूवी में। और मूवी का दूसरा गाना है ये आपका सामी सामी, मूवी का दूसरा गाना सामी सामी है, जिसमें हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है, जो कि अपना आलू अर्जुन है, उसको
दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर आता है सामी सामी। और इसकी भी बहुत जल्द माँ बहन एक होने वाली है इस गाने की। और ये था मूवी का दूसरा गाना। तीसरा गाना आता है, ये तमिल गाना है, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। ये मूवी का गाना तब आता है जब पुष्पा अपने बॉस से मिलता है, एज एन बार में मिलता है, बार में मिलता है, डांस बार में मिलता है। और आपको तो पता है तमिल मूवी इंडस्ट्री कितना मेहनत करती है। और फिर वो उसमें भी एक पुष्पा का स्टेप है, अल्लू अर्जुन का एक स्टेप है, जो कि आप ध्यान से आपको देखना, ये देखना पड़ेगा। और फिर आता है, सॉरी वो फोन बंद हो गया था। फिर आता है नन अदर देन मेरा फेवरेट, ए बिट्टा ये मेरा अट्टा, ये मेरा फेवरेट है और मेरे दोस्त का भी फेवरेट है। तो भाइयों, तो इस मूवी में चार गाने हैं, जागो जागो बकरे, ए बिट्टा ये मेरा अड्डा, और सामी सामी, और ये आपका ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। तो मूवी में चार गाने हैं। तो ये था मेरी तरफ से पुष्पा का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपना फेवरेट पार्ट। और हाँ, मूवी बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से मैं दूंगा 5 out of 5 रेटिंग और स्टार्स। तब तक के लिए सबका खैर, नमस्ते।